बेगूसराय में जानकारी दें तो बताया जा रहा है कि 4 दिनों से लापता एक इंटरमीडिएट के छात्र का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लापता युवक की पहचान सिंघौली थाना क्षेत्र के विनोदपुर निवासी नीरज कुंवर के पुत्र ऋतुराज कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार ऋतुराज 26 अगस्त को लापता हुआ था। स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी तथा अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। आज पटना जिला के मोकामा ऑटो ओवर ब्रिज के समीप में बताया जा रहा है कि ऋतुराज का शव पानी में तैरता हुआ बरामद किया गया है। ऋतुराज का शव मिलने के बाद परिजन और पुलिस आमने सामने हैं। जानकारी दें तो दरअसल बेगूसराय के एक नामचीन अधिवक्ता गोपाल कुमार की भतीजी DAV इंटरमीडिएट में छात्रा हैं और प्रत्येक दिन की भांति 26 अगस्त को भी वह अपने स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली, लेकिन शाम तक जब ऋतुराज वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों के द्वारा खोजबीन शुरू कर दी गई। अनजानी आशंका से ग्रस्त परिजनों ने सिंघौल थाना में ऋतुराज के अपहरण के मामले को दर्ज कराया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मामला दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता से मामले को नहीं सुना। चूंकि ऋतुराज की साइकिल और स्कूल बैग बेगूसराय स्टेशन के समीप पुलिस ने बरामद किया था, तो इस दौरान स्टेशन पर लगे CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जानी चाहिए थी। CCTV फुटेज में ऋतुराज अकेले ही स्टेशन की ओर जाता दिखा था। परिजनों पर आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि ऋतुराज के गायब होने के बाद परिजनों ने लगातार बेगूसराय के SP अवकाश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिजनों से बात करनी भी मुनासिब नहीं समझी। वहीं परिजनों के अनुसार 2 दिन पूर्व ऋतुराज कुमार के शव को लोगों ने ऑटो हॉल्ट के नज़दीक पानी में तैरता हुआ पाया था, फिर भी इसकी सूचना स्थानीय हाथीदह पुलिस को दी गई, लेकिन सीमा विवाद की बात बताकर इसे छोड़ दिया गया और अब इसको लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से परिजनों को शव की जानकारी प्राप्त हुई, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। ये 26 तारीख को सुबह 8 बजे ऋतुराज अन्य दिनों की तरह अपने स्कूल जा रहा था और जब वह 2 बजे घर लौट करके नहीं आया तो परिवार वाले को संदेह होने लगा। इसकी सूचना स्थानीय थाना में दी गई और जिला प्रशासन को दी गई, खोजबीन करने लगे और कल जाकर के हथेदह थाना क्षेत्र के ओटा ओवर ब्रिज के समीप इसका लाश बरामद हुआ। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है और जिला प्रशासन पर से अब भरोसा उठ गया, पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ गया कि 4 दिनों तक यह घटना हुआ और 4 दिनों में बेगूसराय का SP अगर वायरलेस करके रखता, अगल बगल के थाना क्षेत्र को जानकारी दे करके रखता कि ऋतुराज गायब है या उसकी हत्या कर दी गई, तो यह अंजाम आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन 4 दिनों के अंदर जिला पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा और जिस तरीके से, सबसे दुर्भाग्य की बात है, मोकामा RPF, मोकामा GRP और लोकल हथदा पुलिस, ये तीनों क्षेत्राधिकार को लेकर के लड़ते रहे कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, और लाश रेलवे ट्रैक के बगल में उस पानी में तैरते रहा, लेकिन लाश को जब्त नहीं किया। अंतोगत्वा जब अखबार में यह बात आई है तब जाकर के लाश को उसने रात 8 बजे कल रिकवर किया है और तब हमको सूचना दिया है। तब जब हम अपने परिजन के साथ गए हैं तब लाश का आइडेंटिफिकेशन किए हैं, तब वह लाश ऋतुराज का मिला है। जिला प्रशासन के प्रति एकदम अब किसी तरह का कोई भरोसा नहीं रहा। कोई व्यक्ति अगर जी रहा है तो वह अपने भाग्य भरोसे जी रहा है, अपने विवेक से जी रहा है। और आज सवेरे से मैंने SP को फोन लगाते रहा और कंट्रोल ऑफिस फोन रिसीव करते रहा और कहा कि SP साहब बिजी हैं। बात तक नहीं SP से कर, SP के प्रति काफी आक्रोश है। मामला है कि 26 तारीख को सुबह 8 बजे घर से निकला स्कूल ड्रेस में और जब पूरा छानबीन हम लोग किए तो रेलवे स्टेशन 9:10 में वो साइकिल लगाया और प्लेटफार्म पर जो रेलवे के CCTV हम लोग देखे। और कोई था इसके साथ में? नहीं, उसके साथ में कोई नहीं देखे।
लेकिन जो वहाँ जो स्पॉट है, चूंकि रेलवे ट्रैक से दूरी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग को शंका हो रहा है।